हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है ये सीआईएसएफ ट्रेडमैन, जी हाँ, सीआईएसएफ ट्रेडमैन के जो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों के लिए डेली कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक सेंटरों की मुझे जानकारी मिल सके, ताकि जहाँ भी जो भी बंदे जाने वाले हों उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो मेरा आज का जो वीडियो है, ये नेक्स्ट वीडियो जो है ये मेरा सीआईएसएफ यूनिट आरएचएसटी पीपी रिहंद बीजपुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, जी हाँ, बीजपुर सोनभद्र से। तो यहाँ के मेरे एक सब्सक्राइबर हैं राजू कुमार, जिन्होंने कि स्वीपर ट्रेड टेस्ट अपना फिजिकल और ट्रेड टेस्ट दोनों ही क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं अपने इन्हें अपना सब्सक्राइबर ही नहीं, मैं इन्हें अपना बहुत ही अच्छा सब्सक्राइबर मारूंगा, क्योंकि मैंने इन्हें सिर्फ अभी हेलो ही बोला है और इन्होंने मुझे यस सर, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे ये कब से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे। तो अभी जो वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है, बीजपुर सोनभद्र में क्या क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे कैसे वहाँ पे फिजिकल वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है वहाँ पे, इसके अलावा जो रेस कहाँ पे हो रही है और आगे जो भी ट्रेड टेस्ट में क्या क्या चीजें की जा रही है, ठीक है, वहाँ पे फिजिकल हो रहा है, मतलब ट्रेड टेस्ट में कुछ पूछा जा रहा है या फिर कुछ करवाया जा रहा है, तो सारी जानकारी हमें राजू जी देंगे। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को कहने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। यदि डॉक्यूमेंट्स आपके पुराने भी हैं तो वहाँ पे आपको टाइम दे दिया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा सेंटर है ये बीजपुर का। तो कुल मिला के मुझे अभी तक जो एक्सपीरियंस हुआ, ये सोनभद्र के जितने भी सेंटर हैं सभी सेंटर बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आप लोगों को लाइव कॉलिंग दिखाता हूँ राजू जी से। चलिए, हेलो। हाँ हेलो राजू। हाँ राजू बोल रहे हैं सर, नमस्कार। नमस्कार, पहचान गए क्या? हाँ सर, आपकी आवाज नहीं पहचानेंगे। अरे भाई, तुम तो आपका वीडियो देख देख के तो मैं सीखा सर। चलो यार, अच्छी बात है। कौन सा ट्रेड था तुम्हारा? हमारा वासर, वो स्वीपर था सर। स्वीपर का था, तो निकल गया है? हाँ सर। हाँ, तो कहाँ पे था सेंटर तुम्हारा राजू? हमारा बीजपुर था, सोनभद्र बीजपुर। सोनभद्र बीजपुर, हाँ। अच्छा, तो चलो अच्छी बात है भाई, कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। और मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है ना, उसके जवाब देना आप। हाँ सर, पूछिए। हाँ तो ये बताओ, मतलब वहाँ पे क्या है, रुकने उकने का क्या हिसाब किताब है? हाँ सर, रुकने का सब व्यवस्था था उन्हीं लोग का। अच्छा, उन लोग का खुद ही था सीआईएसएफ वालों का? हाँ, उन्हीं लोग का था, हम बस ओढ़ने वाले बस लेके गए थे। अच्छा चलो, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, और फिर वहाँ तो मतलब सुबह वही एंट्री हुई होगी 6:30 बजे? हाँ सर, 6 बजे नहीं, जो लड़के लेट भी थे ना वो 8 बजे तक भी चले जाते थे, वो बताते थे कि सर फंस गए थे ऐसे ऐसे, उन लोगों को भी ले लिया जाता था। अच्छा चलो, अच्छी बात है। मतलब जो उधर के सोनभद्र के सेंटर है, मैं देख रहा हूँ अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं सेंटर उधर। हाँ सर। अच्छा, तो फिर वहाँ पे एडमिट कार्ड का मतलब क्या हो रहा था, क्या प्रोसेस चल रहा था? हाँ, एडमिट कार्ड जो लड़के लेके गए थे ना वो सबको हो जा रहा था, जो नहीं निकल रहा है ना एडमिट कार्ड, तो उन लोगों की थोड़ा सा बाद में एंट्री हो रही है ले उन लोगों की, लेकिन थोड़ा देर मतलब कि बाद में बुलाया जा रहा है कि आज तुम लोगों की भी हो जाएगी। हाँ, मतलब यही चीज थोड़ा सा जानने के लिए ना, मतलब बहुत से लोग परेशान है भाई, एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा, वो इनवैलिड बता रहा है। हाँ नहीं नहीं, उन लोगों को भी हो जाएगा, थोड़ा उन लोगों को बोला है कि बैठ जाओ, तो बैठेंगे तो लास्ट में उन लोगों को बुलाया जाए कि नहीं ले लो, उन लोगों को भी बुला ले रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ चलो अच्छी बात। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताओ, मतलब वहाँ पे तुम्हारा क्या कास्ट थी, कौन सी, मतलब ओबीसी से थे, किससे थे? हाँ ओबीसी से था। तो ओबीसी कितना पुराना ले रहे हैं वहाँ पे? हमारा तो सर 2016 का था। 2016 का था, 17, 18, 19, यानी कि 3 साल तक ले रहे हैं। हाँ 4 साल नहीं सर, पुराना था ना, तो बस दिखाना है उनको कि है कि नहीं, बस बस वहाँ पे। हाँ बस ये देख रहे हैं ना कि तुम्हारा केंद्र वाला जाति है कि नहीं, निवास है कि नहीं, मतलब सेंट्रल का होना चाहिए बस। हाँ बस होना चाहिए। 2016-15 चलेगा, सब भी चलेगा, लेकिन बता दीजिए, वो एक फॉर्म देंगे, फॉर्म भरने के बाद बोलेंगे कि एक फॉर्म भर दीजिए कि नया बनवा लेंगे, तो हम लोग फॉर्म भर दिए, बोल दिए कि हाँ सर हम बनवा लेंगे, और जब आएंगे पेपर देने तो उस समय हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि वो फॉर्म भरवा दे रहे, वरना वहाँ तो मतलब 6 महीने या ज्यादा 3 साल से ज्यादा कहीं हो ही नहीं रहा। हाँ हाँ, नहीं एक जिन लोग लड़के को 1 साल का है ना जाति, जो डॉक्यूमेंट्स है ना गवर्नमेंट वाला, तो उन लोगों का चलता है, उन लोगों का फॉर्म नहीं भरना पड़ रहा है। 1 साल वाले तो का, 1 साल तक का वैलिड है? हाँ
चलो ये तो अच्छी बात है फिर तो। तुमको हाँ। मतलब तुमको भी फॉर्म भरना पड़ गया होगा। हाँ हमको फॉर्म भरना, वो एक सर से पूछे तो बोल रहे कि भर दो हो जाएगा, हमने बोला ठीक है। चलो यार मतलब बहुत अच्छे सेंटर है वहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, नहीं तो कई जगहों पे तो मतलब निकाल ही दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ नहीं वहाँ पर ये सब सब कुछ था, लड़के 7:30 तक एंट्री हुआ, 9-8 तक। अच्छा अच्छा हाँ बोले कि सब फंस गए थे ऐसे ऐसे, तो बोले ठीक है आ जाओ। और वहाँ पे हाइट वगैरह का क्या है, मतलब पूरा एक्यूरेट ले रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे ले ले रहे हैं एक आध इंच? नहीं हाइट में कोई छूट नहीं मिल रही है सर। तीन वो जो लड़के, तीन लड़कों को बुलाया जा रहा है, देख लीजिए कि है कि नहीं, 170 लंबाई है कि नहीं। एसटी और उनकी कुछ छूट मिल रहा है, जो एसटी है ना एसटी वालों को मिलती है। हाँ उन लोगों को कुछ छूट मिल रहा है, एससी वालों के थोड़ा सा छूट मिल रहा है, उसके बाद ओबीसी को कोई छूट नहीं मिला, 170 लंबाई नापेंगे वो लोग। अच्छा हाँ वो चेस्ट में भी नहीं दे रहे होंगे फिर तो कुछ छूट? नहीं चेस्ट में भी नहीं, वो तो वो चेस्ट में भी जो लड़का फुला रहा है ना पहले से ही, वो लोग ना भी ज्यादा रहेगा उसको नहीं हो पाएगा, अब वो भी 5 सेंटीमीटर फुलाना है। हाँ वो तो है ही है, मतलब बहुत से लड़के जो पहले से फुला रहे ले रहे हैं तो फिर फुला ही नहीं पाएंगे, लास्ट में वो तो फेल मार जाएंगे बिल्कुल ही। और जो लड़के का 80 था, 90 था, 90 से 2 इंच फुला रहे थे, उन लोगों की भी बगे दे रहे थे। हाँ तो ये गलती है ना, पहले से पता है तुम्हारी चेस्ट अगर अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, तो तुम्हें पहले फुलानी नहीं चाहिए। अच्छा अगर तुम पहले ही फुला लोगे तो फिर वो फुलाओ जब मांगेगा तो तुम फेल मार जाओगे, 2 या 3 इंच से ज्यादा बढ़ेगी नहीं तुम्हारी। हाँ चलो ठीक है, वो लोगों को पता नहीं है ना, मतलब थोड़ी सी अब इसके ऊपर जगह वीडियोज वगैरह देखी होती, लोगों ने जानकारी होती, तो वो पहले से नहीं फुलाते जिनकी ठीक ठाक, मतलब जिनकी कम है, मान लो 80 से कम है तुम्हारी, तुम्हें पता है कि मेरी यार 79 होती है, 78 होती है, तो मैं थोड़ी सी फुला सकता हूँ पहले से, लेकिन जब तुम्हें पहले से ही पता है मेरी 85 और 90 है तो फुलाने की जरूरत क्या है। हाँ वैसे लड़के बहुत छटे सर, जिससे कि 10-15 तो उसी में छट गए, जिसका 90-88 था ना सीना, वो भी छट जा रहे थे बस फुलाने में। चलो कोई बात नहीं। और फिर रेस कहाँ पे हुई वहाँ पे? रेस हुई थी सर 1600 दौड़े थे, 6.5 मिनट फुल टाइम दे रहे थे। कहाँ पे मतलब रोड पे थे कि ग्राउंड में? नहीं नहीं रोड पर हुई थी सर, रोड पे हुई थी। अच्छा तो फिर उसके बाद फिर तुम्हारा ट्रेड टेस्ट हुआ होगा? हाँ तो ट्रेड टेस्ट में मतलब क्या हुआ, मतलब क्या क्या कैसे कैसे कराया गया? ट्रेड टेस्ट में सर पहले पूछ रहे हैं कितने पास हो। अच्छा लड़कों को पूछ रहे हैं तो बोलेंगे, कोई बोल रहा है बीए पास हो, कोई बोल रहा है इंटर पास हो, कोई बोल रहा है कि पॉलिटेक्निक हो, तो जो लड़के बोल रहे हैं वो कोर्स किया है इंटर, तो इंटर से सवाल पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम क्या चीज में भरो क्या चीज नहीं, वो नहीं सब पूछ रहे हैं, पहले पास किस में वो पूछेंगे इंटर में, तो इंटर का पूछ रहे हैं, इंटर का फुल फॉर्म ऐसे से जो जो पूछना है वो पूछ रहे हैं, ये नहीं कि अब आए स्वीपर में तो बाथरूम वाथरूम पहले नहीं कर रहे हैं ये सब। अच्छा मतलब कि पहले इंटरव्यू ले ले रहे हैं उनका। हाँ इंटरव्यू हमसे बोले कि कितने तक पास हुए, तो हमने बोला सर 10 पास हुए अभी। हाँ राजू सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ आप सुनाई दे रहा है, बोलो बोलो। हाँ तो मतलब इंटरव्यू लिया गया एक तरह से पहले, सबसे पहले। हाँ इंटरव्यू पहले बोलो क्या कोर्स किए हो, कितना किए हो, जो लेबर जो लड़का कम बता रहा है ना, हाँ उस लड़के से कम सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा। जो हाई लेवल बता रहा है ना उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 मिनट तक उस लड़कों को पूछा जा रहा है। अच्छा हाँ जो लड़का बोल दिया कि मैं 10 पास हूँ, ये डिग्री नहीं देख रहे हैं वो लोग, बस देख रहे हैं कि तुम कितने तक पास हो, बस ये देख रहे हैं। 10 पास बोल दिए तो 10 से कुछ सवाल पूछेंगे, हाँ ये पूछेंगे कि हिंदी से हो कि मैथ से हो कि रीजनिंग ज्यादा टाइट है, इंग्लिश, तो जो जिसमें टाइट रहेगा उसी सवाल पूछा जाएगा। अच्छा तो और तुमसे क्या कराया गया फिर उसके बाद स्वीपर पे? हमसे पूछे गए कि फिनाइल है ना, फिनाइल के बारे में पूछे, और हारपिस है ना जो बाथरूम वाला, उसके बारे में पूछे, बस पूछ रहे थे, और हैंड वॉश जो धोने वाला है ना, हाँ वो पूछे, और एसिड नहीं था उसमें। अच्छा अच्छा हाँ कूचे दो तरफ से रखे थे, एक था जो बड़ा वाला था और एक वो फूल वाला था। अच्छा हाँ और नहीं था, और झाड़ू नहीं थे, बस दो ही झाड़ू थे, बस दो ही झाड़ू थे, बस उन कुछ झाड़ू मारने के लिए बस दिखाना बस था उनको। अच्छा हाँ अच्छा। सब लड़के सर इंटरव्यू में छड़ जा रहे हैं, मतलब क्वालिफाई करने नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलना है कैसे बोलना, बस ये। हाँ मैं समझ गया समझ गया। तो तुमसे यही पूछा होगा, मतलब ये सब पूछ रहे होंगे कैसे, मतलब दाग लगा हुआ कैसे छुड़ाओगे, किस चीज से छुड़ाओगे, है ना? हाँ सर।
हाँ सही है, चलो ट्रेड टेस्ट ही मेन चीज है। हाँ सर, वो 115 लड़के की इतना थे, हम लोग 19 बस पास हुए सर। 115 में से 19? बस 19। नहीं ये तो मतलब बहुत ही काफी छट गए तो बिल्कुल ही। ट्रेड टेस्ट में सब लोग 50 लड़के थे, लगभग 50 लड़के से ऊपर थे, बस 19 फिट हुए। अच्छा मतलब लास्ट में जाके 50 बजे ट्रेड टेस्ट में और उनमें से 19 पास हुए। हाँ ये भी सर, जो लड़का टाइट बोलेगा गलत भी रहेगा तो चले जाएगा, मतलब ठीक चल जाएगा, और जो लड़का नहीं कुछ बोलेगा वो तो फेल एकदम हो जाएगा। हाँ मैं समझ गया, मतलब एक कॉन्फिडेंस रहो, जो भी है बोलो, मतलब दिल में जो भी आए बोल दो। हाँ गलत भी बोल रहा है बोल दो, सामने बोल दो कि सर हाँ हमारे से गलती हुआ है, बोल दो, सामने बोलना है। जो लड़का जो स्वीकार कर रहा है कि मैं गलती किया हूँ, उन लोग कोई नहीं पास हुआ, तीन लड़के ऐसे बोले हैं, तीनों लड़के पास हुआ, हम भी बोले गलत, हम बोल दे नहीं सर मेरे को नहीं, वो जानना है कि वो सब जानते हैं सर। हाँ मतलब वो मैं समझ गया, उनका बस वो नेचर देख रहे थे कि मतलब किस किस बंदा किस टाइप का है कैसे है, मतलब उनको हाँ। सब पता ही है, वो ट्रेंड है ऐसी नहीं है। हम बनाए थे सर्टिफिकेट ना सर। ओहो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी बना लिए थे? हाँ बनवा लिए थे हम गांव से। तो वहाँ पे दिखाए? हाँ दिखाए तो बोले कि बनवाए हो, तो हम कहने हाँ सर बनवाए हैं, तो कभी काम किए हो? तो हम कहने नहीं सर हम कभी काम नहीं किए, कभी होटल में गए नहीं। बोला सही बोल रहे? हाँ बोला है कि कभी गए होटल में? हम कहने नहीं सर कभी होटल में नहीं गए, बस सर्टिफिकेट बनवा लिए। तो बोला है फर्जी है ना? हमने बोला हाँ सर फर्जी है, बनवा लिए हैं, बस प्रूफ मांग रहा था, बस प्रूफ दे दिए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चल तू बोल दिया सच बोला ना? मैंने हाँ सच बोला सर। बताया ये तो बहुत बढ़िया काम किया, यही तुम अभी झूठ बोल देते ना तो तुम्हारी रेल बना देता वहाँ पे। हाँ तो वो सर 20 नंबर मिला, 30 नंबर का था, जो लड़के 15 नंबर पास हो जाएंगे ना सर पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छा अच्छा हाँ ट्रेड टेस्ट में 15 नंबर पास है, ट्रेड टेस्ट में 15 नंबर पास है, चलो बढ़िया हाँ। है राजू भाई तुम मतलब सही है, ठीक अच्छे से हो गया तुम्हारा हिसाब किताब। हाँ सर हो गया, हम सर कॉन्फिडेंस देते थे। वही तो मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस हो के जाओ, मतलब बिल्कुल एकदम डरना नहीं है किसी भी चीज से, क्या दिक्कत क्या। और सबसे बड़ी चीज है कि सच बोलो, मतलब ये है कि ज्यादा झूठ बोलने से पकड़े जाओगे, निश्चित पकड़े जाओगे। वो तुरंत भगा दे रहे हैं, जिससे कि जो गलत बोल रहा है ना तुरंत बोल रहे हैं कि चलो जाओ बैठो। हाँ भाई वो पागल थोड़ी ना है, वो तो रोज उनका तो हर साल का काम है, रोज का है वो तो उनका। हाँ सर बार बार लड़के फोन कर रहे हैं आपके अथू से नंबर मिल रहा है, उन लोगों को हम सिखवन दे रहे हैं, कई लड़के फोन है तो हमने बोला हाँ सर बताया है कि ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट्स लो, हम बता दिए हैं वो सब ले रहे हैं सर। हाँ डॉक्यूमेंट्स और बारे में आप ही कैसे बताए थे सर, तो हम फॉलो कर रहे थे, जाने के दिन 9 तारीख को भी आपका वीडियो देखा, देखने के बाद यहाँ से निकले। चलो नहीं ठीक है बढ़िया है, चलो यार कुछ लोगों का काम अच्छी बात है। चलो ठीक है राजू अब तैयारी करते रहो, ठीक ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है राजू।